सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त साल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इस वक्त मौजूद हूं बरबट्टा पंचायत के सलीमपुर 77 और 78 बूथ नंबर पे, और आप देख सकते हैं कि सलीमपुर का ये गांव है। यहाँ पे सुबह सुबह इस वक्त जो है लोग बड़ी शांति ढंग से वोट गिराने के लिए आए हुए हैं। बोले वार्ड नंबर 3 में बूथ नंबर 3 देख लीजिएगा। ठीक है। कौन गिरी है? कितना एज है बाबा का? बाबा का 85 है। 85 है, ठीक है। क्या नाम है? उद्गार राय। नाम उद्गार राय। पता नहीं है।
क्या नंबर बूथ है ये, क्या नंबर है? 69 C 70 दो है ये दोस्त, ठीक है ना? कितना परसेंट यहाँ पर हो गया अभी तक? 50% हो गया। कितना उम्र है मामा का? मामा का है 1/1/1944। वाह, दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बरबट्टा पंचायत के रहने वाले संजय सिंह मौजूद हैं, काफ़ी प्रचलित आदमी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है कौन से प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, कितना परसेंट वोटिंग हो रहा है, अभी ये बताएंगे। हाँ, कितना परसेंट वोटिंग अभी तक हो गया है? अभी तक तो 10-20% अभी है। क्या चल रहा है इसमें जिला परिषद में इस बार जो है कौन से प्रत्याशी का? अशोक अंजाना, इसके बाद कोई नहीं है ही नहीं, सब है, सब है 3 नंबर में। अशोक अंजाना के सिवा अशोक अंजाना के तरफ से सरपंच में क्या नाम कलीम जी खंजाना पूरे पंचायत, पांचों पंचायत से लीडिंग कैंडिडेट हैं, उनको विजय सबसे पहले है। हाँ नसीम जी, कैसा पोजीशन है आपका इस बार? खूब बढ़िया है। अच्छा है जी। कितना परसेंट अभी तक वोट किया होगा? वही 30%। क्या उम्मीद करते हैं यहाँ की जनता से? उम्मीद तो अच्छा अभी तक। अच्छा है, हर तरफ घूम ली, सब शांति ढंग से? जी जी, हमको तो नल छाप में था। इस बार चुनाव हो रहा है, क्या पोजीशन है आपका, कितना परसेंट वोट गिर गया? अच्छा 20% वोट गिर गया है, इसमें अच्छा पोजीशन है। क्या उम्मीद करते हैं आप? जीत हो रही है आपकी? जीत हो रही है। क्या नाम है? मोहम्मद कलीम, बरबट्टा पंचायत। कौन से पद के लिए? सरपंच पद। क्या लगता है आपका, कितना परसेंट इस वक्त वोट गिर गया है? देख रहे हैं करीब 30% करीब गिरा है। कैसा पोजीशन है आपका? अपोजिशन तो अब मतदाता के हाथ में है, क्या पोजीशन है वो हमको क्या अंदाजा। फिर भी क्या उम्मीद रखते हैं बरबट्टा की जनता से? बहुत सारी उम्मीदें हमारे पास, जो भलाई का काम करेंगे, एक भाईचारा बना कर रखेंगे, यदि हमें प्रोत्साहन राशि मिल गई तब और क्या कहा जाए। मेरा नाम रामदयाल शाह है, सरपंच पद से उम्मीदवार हूँ, ग्राम पंचायत बरबट्टा, ग्राम कचहरी बरबट्टा से। ठीक, गिर गया अभी तक? वही अभी तो 15% लगभग गिर गया। अच्छा, कैसा पोजीशन है आपका? बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा पोजीशन है। कौन से पद के लिए है? पंचायत समिति के लिए। आप खुद हैं या आपकी पत्नी? मेरा पत्नी है। हाँ मुकेश जी, क्या कैसा पोजीशन है आपका? अभी तक तो बहुत बढ़िया पोजीशन है। कितना परसेंट गिर गया? 20% गिरा है। क्या उम्मीद करते हैं, जनता आपके साथ है? जनता तो हमको जो है सो उठाए हुए हैं, हम जनता के चरण में हैं, जनता का जैसा निर्णय स्वीकार है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त शिवेंद्र कुमार झा उर्फ टुन्ना झा नाम से यहाँ पे प्रत्याशी पति हैं पंचायत समिति पद के, इस वक्त जो है बरबट्टा में मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहा है इस बार, कैसा पोजीशन है आपका? मेरा कहना ये होगा, सर्वप्रथम प्रशासन से जो फेयर पोल प्रशासन करावे, जैसे सलेमपुर बूथ पे मैं आ गया विद्यालय से, तो वहाँ से रिपोर्ट आया जो धांधली शुरू है, तो मैं मुसरीघाट थाना को आगाह किया हूँ, गए हैं अभी तो प्रशासन यहाँ पे आई थी। हाँ, तो मैं अभी जस्ट मुझसे मुलाकात हुई है, तो मेरा सर्वप्रथम ये कहना होगा जो प्रशासन फेयर पोल करावे, वोटर जिसको वोट देना चाहता है, चाहे जिस पद के लिए जो उम्मीदवार है, वो वोटर की मर्जी जिसको दे,
और बच गया मेरे पंचायत समिति पे आप पूछ रहे हैं, तो मेरा कैंडिडेट विंग कैंडिडेट है और वो जीत चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरा नाम रामाशीष राय है, मेरी पत्नी सुनैना देवी समिति से चुनाव लड़ रही है। अभी तक करीब करीब 40% तक पोल हो चुका है। 40 क्या लगता है इस बार आपका पोजीशन कैसा है? मेरा पोजीशन भी अच्छा है, मेरा भी पोजीशन अच्छा है। हाँ, अब बरबट्टा की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं बरबट्टा के जनता के सेवा के लिए आज 50 साल से मैं हूँ और इस इलेक्शन के बाद भी मैं रहूँगा। दोस्तों, हमारे साथ पूर्व मुखिया है एवं मुखिया प्रत्याशी रामचंद्र शाह मौजूद है यहाँ पे बरबट्टा पंचायत में। इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कितना परसेंट अभी तक वोट गिर गया? अभी तक करीब 40% वोट गिर चुका है। हाँ, क्या लगता है इस बार आपका पोजीशन? इस बार मेरा पोजीशन भी सही है, तो अच्छा है, उससे ज़्यादा वोट से जीते हैं, जनता का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहते हैं जनता को? जनता कहते हैं जो जो छूटा हुआ आगे का काम होने मैंने पूरा करूँगा। ठीक, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ रविंद्रनाथ निराला। कितना परसेंट वोट गिर गया? 20%। कैसा पोजीशन है आपका? अच्छा पोजीशन है। अच्छा, मरवट्टा पंचायत। क्या दिक्कत है आपको? हमको 200 मीटर के दूरी पर दुकान है और नाश्ता कराने के लिए गरीब आदमी है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, और कैसे हम रात में बाल बच्चा को भोजन कराएंगे? और दुकान जो चालू किए हुए थे वो प्रशासन आ करके सबको भगा दिया है। 200 मीटर दूरी है। ठीक है, हाँ, खाने का कोई उपाय नहीं, हम क्या करें बताइए, कैसे चलेगा? ठीक है, क्या नाम हुआ? ललिता देवी। ठीक है, कौन सी जगह आई है? अर्जुन साहब बरबट्टा, वार्ड नंबर 9 में। हम लोग गरीब आदमी है, प्रशासन बोला है दुकान बंद करने के लिए, इसीलिए हम लोग जो है सो दुकान खोल के रखे हैं। दुकान नहीं खोलेंगे तो 100 मीटर के 100 मीटर के अंदर है या बाहर है? 100 मीटर प्लस है, 150 के करीब में है। दुकान खोले हैं, दुकान नहीं खोलेंगे तो खाना पीना कहाँ से होगा, प्रशासन दे पाएगा? तो सब देख सकते हैं कि उस घर से उधर उधर है, यहाँ पे बूथ है, काफ़ी लगभग 150 मीटर के बाहर इनका दुकान है। इनका कहना है कि प्रशासन के यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को मार मार के भगा दिया है। तो हालांकि 100 मीटर के बाहर है, ये तो गरीब आदमी है, इनकी दुकान है यहाँ पे। ठीक है सर, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले।